धमाल मूवी में एक सीन है जहाँ पर रितेश देशमुख एक घर के पीछे छुप जाते हैं। सो वी हैव ऑर्डर्ड दिस, ये है बारबेक्यू चिकन। झूले पे बैठ के यार खाना खा सकते हैं फिर नहीं आप एक बार। अभी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। बैग लेके हम निकल गए हैं, आज हम चल रहे हैं वैसे बैंगलोर। सो वैसे गाइस, एक्चुअली मैं नहीं जा रहा बैंगलोर, अर्पिता दीदी एंड यहाँ पर सत्यन ब्रो जा रहे हैं बैंगलोर। तो तीन चार दिन के लिए आए थे तो इतना जल्दी टाइम चला गया यार, पता नहीं चला। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को यार, हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। अभी तुम आना बैंगलोर, हम आएंगे बैंगलोर, आना पड़ेगा मेरे को ना। आज ज्यादा गर्मी फील हुआ नहीं मुझे, क्या के लिए बता, पूरा दिन मैं सो रखा था ना तो इसी कारण से। मतलब कि हम कल रात भर हमने पार्टी किया घर पे एंड सुबह को ना अंजलि को ड्रॉप करने ले गए हम। आने के बाद मैं सो गया तो दोपहर को उठा करीब 1 बजे, फिर से लंच किया, नहाया, उसके बाद अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। वैसे शाम के भी बज रहे 7। तो ये किया का ना डिक्की बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैंने भाई पास हाले मैंने ना लगे थे ना इमान डांगर होगा डिक्की से डांगर डांगर है वो एयरपोर्ट So guys, we are in urban forest now and एयरपोर्ट चलने से पहले यार सारे लोग यहीं पे करेंगे डिनर। तो यहाँ पर है हमारी गाड़ी, हमने कर दी यहाँ पे पार्क। बेसिकली थीम कैफे है, यहाँ पे थीम ये है कि यार चारों ओर प्लांट है। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी है, साइड में एक बुक स्टॉल है पढ़ने के लिए एंड उसके साइड में टेबल है एंड ऑल्सो यार यहाँ पे झूलना है, झूलने में बैठ के भी खाना वाना खा सकते हो। तो इस तरीके का कैफे यार देख के यार बहुत ही अच्छा लगा। वैसे अभी नोटिस किया मैंने अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमेंट्स कैफे। ओके, एलिमेंट्स कैफे तो अर्थ के चार एलिमेंट्स है, अर्थ एयर फायर वाटर। तो ये चारों लोगोज या चारों आइकन्स उन चार एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट्स है जो अर्थ पे ग्रो होता है और जो लाइट है वो थोड़ा सा वार्म कलर का आई थिंक फायर रिप्रेजेंट करता है, फिर उस तरफ वाटरफॉल है। एक बहुत देर मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको, शायद धमाल मूवी याद होगा। धमाल मूवी में एक सीन है जहाँ पर रितेश देशमुख एक घर के पीछे छुप जाते हैं एंड उस घर का सिर्फ दीवार रहता नहीं, सिर्फ मतलब कि दरवाजा रहता है। ऐसा ही कुछ है, ये देखो ये है दरवाजा एंड यहाँ पे दीवार है नहीं, ये देखो इसको बंद कर सकते हैं। सो यहाँ पर टेबल पे एक डिवाइस है जहाँ पर बटन दबाते ही यार वेटर आ जाएगा, आपका बिल आ जाएगा, आपका पानी आ जाएगा। सो वी हैव ऑर्डर दिस, ये है बारबेक्यू चिकन। ये चिकन है बारबेक्यू चिकन है, मेरे लिए यार बहुत ही नया है ये सब चीज़ें, क्योंकि यार हमारे वहाँ पे इतना कुछ मिलता नहीं, यहाँ पे सिटीज़ में सिर्फ मिलता है। सो आई विल गिव यू द रिव्यू। ओके, स्वीट है, चॉकलेट है ऊपर का, चिकन है, फ्रेंच फ्राइज है, सिंपल है बस। इट्स लाइक डेयरी मिल्क आप खरीद के लेकर आओ, उसको गला दो, चिकन के ऊपर डाल दो, खा लो, बस वैसे वाला टेस्ट है। सो गाइस, आ गया है हमारा यहाँ पर रशियन 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 मेक्सिकन बोले रशियन को ऐसा मैक्सिकन चिकन रैप। तो देखते हैं आज मैक्सिकन चिकन रैप खा के कैसा है टेस्ट, हम बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर है रैप में, और में मतलब कि रैप करके दिया हुआ है एंड इसको कटिंग करके दिया हुआ है दो पीस करके। हाँ, ये चीज़ अच्छा है कि यार कट करके दिया हुआ, आते वक्त ना वो गिर जाते हैं खाते वक्त। तो ठीक है, चलो इसको रखते हैं यहाँ पर साइड पे। तो ये हमने लिया, यहाँ पर है हमारा डिप, उसके बाद तो टेस्ट में यार काफ़ी अच्छा है एंड जो बाहर का जो ये रोटी है बहुत ही स्मूथ है एंड जो चिकन है मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉयल है, मुझे खोल के देखने वैसे ये क्या कैसे अंदर। सो गाइस, रोटी के अंदर पे यहाँ पे अंडा है, ये देखो ऑमलेट दिया हुआ है, तो इसी कारण से ना ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा था एंड वैसे यहाँ पर है टमाटर है, कैप्सिकम है एंड चिकन है बस। सत्यन ब्रो को हम बिठाएंगे झूले पे, आओ कमा, आज हम झूले पे बिठा के इनका रिव्यूज देखते हैं। झूले पे बैठ के यार खाना खा सकते हैं फिर नहीं आप एक बार खुद से देख के एक बार। इज इट गुड?
मजा है एक्चुअली, बहुत मजा है। हम भी बैठ जाते हैं गाइस हो रहे हैं यहाँ पे, चलो ट्राई करके देखते हैं। ये तो झूला वाला रेस्टोरेंट हो गया। अरे भाई साहब वाह, ये सब मतलब थीम कैफे ऐसे है, लोग यहाँ पे आएंगे तो ये सेम चीज देखिए अपने जगह पे जाके खोल देंगे। सो गाइस हम अभी चल रहे वापस एयरपोर्ट। ये वैसे बिना पेड प्रमोशन है गाइस, उन्होंने हमें ना डिस्काउंट दिया ना हमने पूछा, तो ये मेरे तरफ से मैं मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस दिखा दिया अपने वीडियो पे। पेड प्रमोशन के लिए पता क्या होना है, बहुत ज़्यादा व्यूज आना है, पॉपुलर होना है क्रिएटर को, तभी जाके अगर मैं अगर जाके बोलूँगा कि मेरे इतने फॉलोअर्स मेरे इतने व्यूज आते हैं ऑर्गेनिकली, तो यार उन लोग डिस्काउंट भी दे देंगे या फिर फ्री में दे देंगे, तो ऐसा रहता है वैसे। सो गाइज अभी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, हम पहुँच गए यहाँ पे कोची एयरपोर्ट। কি আপনার দিও নাকি ডাঙরটো আপনি লব পাৰিব নাইন 9:34 এণ্ড 10:30 কে বেছি ফ্লাইট তো ইনক নিকলনা হ'ব বহুত জলদি বিলকুল টাইম পে আয়ে বেছে ইয়াতে যা তক ক্ৰাউড হতা নাই তো আৰাম সে চেক ইন কৰ লেঙ্গে ইন লোক। লাষ্ট ফটো চল, লাষ্ট ফটো ইয়ে লাষ্ট ফটো তো ৰেতা ইয়ে চল লগ পাম চল ব্ৰো मिलते हैं, मिलेंगे फिर से, मिलते हैं। इफ आई गो टू बेंगलोर इफ नहीं आना पड़ेगा, जाऊंगा जाऊंगा। टाटा ओके चल बाय। तो वैसे यार बेंगलोर जाने का प्लान मेरा तभी होगा कि जब मम्मी आएंगे यहाँ पे कोची में, तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, तो उस वक्त मैं चल सकता हूँ बेंगलोर फॉर फ्यू डेज, तब तक मुझे रहना होगा कोची। दो दिन के लिए दोस्त लोग आया था, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा था, अभी घर जाके बहुत कोई नहीं है घर पे, सुनसान होगा अकेले अकेले हम तीनों बस। ये बहुत ही खास रीजन से आए थे दीदी के दोस्त, तो 4-5 दिन रुके तो हमने घूमा, वो सारे के सारे व्लॉग्स मैंने डाला हुआ है, एक बार यार चैनल खोल के देखो जितने भी नए व्यूअर्स हैं। एंड वैसे अभी हम चल रहे हैं घर। सो वैसे गाइस व्लॉग का करते हैं एंड यहाँ पर, एंड अगर ये व्लॉग पसंद आया होता है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड हम मिलेंगे फिर से यार वापस कल के व्लॉग में, तब तक के लिए मिलता हूँ, चलो बाय गाइस टेक केयर।